ग्रे हेयर से परेशान है या सफेद बालों से परेशान है और आप भी चाहते हैं अपने बालों में डिफरेंट शेड लाना, अपने बालों को कलर करना और वो भी बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक नेचुरल प्रोसेस जिसको यूज करके अपने बालों को आप कलर कर सकते हैं, एक ब्यूटीफुल सा शेड दे सकते हैं, साथ ही साथ अपने ग्रे बालों को, अपने सफेद बालों को कवर कर सकते हैं, अपने बालों को नरिश कर सकते हैं, कंडीशनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं और अपने बालों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्सचर दे सकते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस जिसको यूज करके आप अपने बालों को कलर कर सकते हैं। मेरे बाल, आपने नोटिस किया होगा, कभी बर्गंडी लगते हैं, कभी ब्राउन लगते हैं, कभी ब्लैक लगते हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने बालों में हिना का एप्लीकेशन करती हूँ और इसको मैं बहुत ही लंबे टाइम से यूज करते हुए आ रही हूँ, तो मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। जब मुझे लगता है मेरे बाल में मॉइस्चर कम हो गया है, मेरे बाल डल होने लगे हैं, रफ होने लगे हैं, तो मैं मंथ में एक बार हिना का एप्लीकेशन करती हूँ। लेकिन जब हिना को प्रिपेयर करती हूँ तो उसका जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। अगर मुझे बर्गंडी कलर चाहिए होता है तो मैं बीटरूट का यूज करती हूँ, मुझे ब्राउन कलर चाहिए होता है तो मैं कॉफी का यूज करती हूँ, और मुझे ब्लैक कलर का शेड चाहिए होता है तो मैं टी का यूज करती हूँ, चाय की पत्ती का यूज करती हूँ। तो इन सभी की हेल्प से मेरे बालों में डिफरेंट डिफरेंट शेड आता है। जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। जब आप धूप में निकलते हैं तो आपके बाल शाइन करते हैं, आपके बालों में मॉइस्चर आता है, आपके बाल कंडीशनिंग होते हैं इसकी हेल्प से, हिना की हेल्प से, और आपके बाल की जो टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि हिना के एप्लीकेशन से तो हमारे जो बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, तो मैं कैसे कह रही हूँ कि हिना आपके बालों को कंडीशनिंग प्रोवाइड कराता है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे बाल रफ हो जाते हैं, लेकिन अगर आप हिना को सिंपली ऐसे यूज कर लेंगे तो आपके बाल रफ होंगे, लेकिन जो हम हिना प्रिपेयर करने वाले हैं, जो हम मेहंदी प्रिपेयर करने वाले हैं, उसमें हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करेंगे कि ये आपके बालों को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, जो कि आपके बालों को ड्राई नहीं होने देगा। हिना तो आपके बालों को ड्राई करेगी, लेकिन जो ये इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को ड्राई होने से रोकेगा, तो यही हम बात करने वाले हैं। अगर आपके बाल व्हाइट हो चुके हैं, प्रीमैच्योर ग्रे हो चुके हैं, तो आप इस प्रोसेस को यूज करके अपने बालों को कवर कर सकते हैं अपने, या फिर आप चाहते हैं अपने बालों में कलर करवाना लेकिन मार्केट वाला कलर नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, तो आप घर पे ही अपने बालों को एक बहुत ही डिफरेंट शेड दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस हिना को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मैं हिना को कोई नॉर्मल पानी में सोक करके प्रिपेयर नहीं करती हूँ, पानी का यूज नहीं करती हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज करती हूँ न्यूट्रिएटिव डिटॉक्शन। इससे क्या होता है, हमारे बालों में जो मेहंदी का रेड कलर आता है वो नहीं आता है, क्योंकि कई लोगों को जो मेहंदी का रेड ऑरेंज कलर होता है वो पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से आप हिना को प्रिपेयर करके जो रेड कलर आता है उससे बच सकते हैं, अपने बालों को कोई डार्क शेड या ब्राउन शेड प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस हिना को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यूट्रिएटिव डिकॉक्शन तैयार करने वाले हैं, तो उसके लिए हमको लेना है एक बाउल, कोई बर्तन, उसमें ऐड करना है एक कप पानी। अब इसमें हमें ऐड करना है कॉफी पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का कॉफी पाउडर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 2 टेबल स्पून, आप कॉफी पाउडर की जगह पर जो चाय की पत्ती होती है उसको भी यूज कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कॉफी पाउडर से हमारे बालों में बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड आएगा, साथ ही साथ हमारे बालों के कलर को डार्क बनाएगा। तो इसको हमने तब तक बॉइल करना है जब तक इसके 3 से 4 बार उबाल ना आ जाए। 3 से 4 बार इसमें उबाल आने के बाद, अच्छे से इसको बॉइल करने के बाद, आपको जो गैस की फ्लेम है उसको ऑफ कर देना है और इस डिकॉक्शन को, कॉफी के पानी को, आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसको ठंडा होने के बाद ही हमें यूज करना है। जब तक ये ठंडा होता तब तक हम अपनी मेहंदी की आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है कोई कढ़ाई, कोई बर्तन, आपको लोहे की कढ़ाई यहाँ पर यूज करनी है। इससे क्या होगा कि इसमें जो हम इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वो लोहे की कढ़ाई में मिक्स होकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में मेहंदी का, हिना का लाल कलर ना आए, आयरन की कढ़ाई, लोहे का ही कोई बर्तन यूज कीजिए, इससे आपके बालों में लाल कलर नहीं आएगा, आपके बालों में एक डार्क बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड आएगा। उसके बाद आप इसमें हिना यूज कर लीजिए, मेहंदी यूज कर लीजिए, आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1/2 पैकेट पतंजलि की यूज की थी, लेकिन मुझे कम लग रही थी अपने बालों के अकॉर्डिंग, तो मैंने थोड़ी मेहंदी और यूज कर ली है। आप जो मेहंदी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये सफिशियंट है मेरे बालों के लिए। मैं पूरे हेयर लेंथ में, हेयर स्केल्प में अच्छे से अप्लाई करने वाली हूँ। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं वो है रीठा पाउडर, इसकी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 1 टेबल स्पून। रीठा पाउडर हमारे बालों में फर्टीनेस लाता है, तो जब हम बालों को वॉश करते हैं तो हमको लगता है कि शैम्पू टाइप का लगता है,
अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज करने वाले वो है आंवला पाउडर। आप आंवला पाउडर की 2 टेबलस्पून यूज कर सकते हैं। आंवला पाउडर ही आयरन के साथ मिक्स होके बहुत ही ब्यूटीफुल कलर लाता है, हमारे बालों को ब्लैक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है शिकाकाई पाउडर, जो कि हमारे बालों का डॉक्टर बोला जाता है, आपके स्कैल्प इन्फेक्शन को दूर करता है। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हिबिस्कस पाउडर, गुड हेल्थ के फूल का पाउडर, जो कि हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल कर, हमारे बालों को नरिश करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को हाइड्रेट रखता है। अब जो हमने डिकॉक्शन तैयार किया था उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे और एक हम अपना स्मूथ पेस्ट फॉर्म में बना के रेडी करेंगे। लेकिन आपको जो कॉफ़ी का पानी यहाँ पे ऐड करना है वो ठंडा करके ही ऐड करना है, नहीं तो हमारा जो हिना है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। अब पानी की क्वांटिटियाँ थोड़ी ज़्यादा रखना जब इसको मिक्स करें, क्योंकि इसको हमें ओवन ऐड के लिए सोक करना है। तो जब आप सोक करेंगे ओवन ऐड के लिए तो जो पानी है इस मेहंदी में अच्छे से सोक हो जाएगा। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके हिना में, आपके इस मेहंदी के पेस्ट में कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, तो इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। और एक्स्ट्रा पानी छोड़ देंगे तो थोड़े बहुत लम्स रह जाएंगे, तो वो जो लम्स हैं वो पानी को सोक करके अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसको ओवन ऐड के लिए रख देना है। ओवन ऐड के बाद इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आयरन की कढ़ाई में हमने इसको ऐड किया था आंवले के पाउडर के साथ, तो कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर आया है और जो कलर था थोड़ा चेंज हो चुका है। अब यही आपके बालों में बहुत ही ब्यूटीफुल सा डार्क शेड देने वाला है और आपके बालों में मेहंदी का जो रेड वाला कलर होता है ना वो वाला कलर नहीं आएगा, आपके बालों में डार्क शेड ब्राउन शेड आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड आएगा। अब इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारी हिना तैयार है अपने बालों पर अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस हिना को हम अपने बालों पे कैसे अप्लाई करें। तो यूज करने का प्रोसेस फ्रेंड्स क्या है, आपके बालों में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि हम अगर ऑयलिंग में अपने बालों में हिना को अप्लाई करेंगे तो जो हिना का कलर है हमारे बालों में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपके बाल में ऑयल नहीं होना चाहिए, जो नेचुरल ऑयल होता है अगर वो आ जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है हम 2 से 3 दिन अपने बालों को वॉश ना करें तो हमारे बालों में हल्के हल्के ऑयली हो जाते हैं, वो चलेगा। लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑयल अप्लाई नहीं करना है इसको अप्लाई करने से पहले। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके बाल बहुत ज्यादा गंदे नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वीक हो गया आपने अपने बालों को वॉश ही नहीं किया, बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं, धूल मिट्टी हो चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो बाल है वो एक अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। मतलब आपने हेयर वॉश किया है आज, तो आप 3 दिन बाद तक हिना को अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 3 दिन तक हमारे बाल एक अच्छी कंडीशन में रहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बालों को डिटेंगल कर लेना, अपने बालों को सुलझा लेना है। उसके बाद आपको मिडिल पार्टीशन करना है अपने बालों का, और यहाँ से एकदम मतलब अपर साइड से ऊपर से आपको थोड़े से बाल लेने हैं और उसमें आपको हिना को अप्लाई करना है। उसके बाद आपको हिना की हेल्प से एक बन बना लेना है उन्हीं बालों का, और उसके बाद आपको थोड़े थोड़े बाल लेके उनको मेहंदी लगा के उस बन में कवर करते जाना है। मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर की थी कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे हिना को आप घर पे अपने बालों पे अप्लाई कर सके। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं चेकआउट की है तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, इजिली आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे आप अपने बालों पे खुद से हिना को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपको हिना को अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो एक शावर कैप से अपने बालों को कवर कर लें, अगर नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मतलब बंद बना के ऐसे छोड़ सकते हैं, फुल ओपन नहीं छोड़ना है, नहीं तो बहुत मैसी हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हिना को अप्लाई करना है अपने बालों में 3 घंटे के लिए। 3 घंटे तक आपको हिना को अपने बालों में अप्लाई करके रखना है। अगर आप अपने बालों में कंडीशनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, कंडीशनिंग के लिए मेहंदी लगा रहे हैं, हिना लगा रहे हैं, तो आप 2 घंटे रखेंगे तो सफिशियंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने बालों में कलर करने के लिए हिना अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 घंटे तक हिना को अपने बालों में अप्लाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। आपको जो वॉश करना है नॉर्मल पानी से वॉश करना है, आपको शैम्पू का यूज नहीं करना है। आप पानी से वॉश करेंगे तो जो मेहंदी का कलर है वो इजिली निकल जाएगा। आपको अपने बालों को पानी से तब तक वॉश करना है जब तक हमारे बालों से साफ पानी ना आने लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बालों को सुखाना है नॉर्मल पंखे की हवा में, कोई ड्रायर यूज नहीं करना है, ना ही शैम्पू यूज करना है अभी। उसके बाद जब आपके बाल सूख जाएं तो आपको क्या करना है, आपको अपने बालों में अप्लाई करना है ऑयल। अब ऑयल कौन सा यूज करें, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल सूट करता है तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप जो कोकोनट ऑयल होता है वो यूज करते हैं, या फिर जो आप ऑयल अपने रेगुलर बेस अपने बालों में यूज करते हैं आप वो ऑयल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी है, रफ है, तो आप यहाँ पर ऑयल की जगह पर जो फ्लेक्सीड जेल का मास्क होता है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इससे जो आपके बाल फ्रिजी हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं,
उनको रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि फ्लैक्स सीड जेल कैसे प्रिपेयर करना है और इसको कैसे अपने बालों में अप्लाई करना है, तो आप उसकी हेल्प से अपने बालों में फ्लैक्स सीड जेल भी अप्लाई कर सकते हैं ऑयल की जगह पर। अब आपको ऑयल को लगाकर रखना है ओवरनाइट के लिए। अगर आप फ्लैक्स सीड जेल अप्लाई कर रहे हैं अपने बालों पर, तो आप फ्लैक्स सीड जेल को भी आपको ओवरनाइट के लिए रखना है। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो मैक्सिमम आपको 3 घंटे तक रखना है। उसके बाद आपको मॉर्निंग में शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। मैंने आपको पहले प्लेन वाटर से अपने बालों को वॉश करने के लिए इसलिए बोला कि अगर आप अभी शैम्पू से वॉश कर लेंगे तो जो हमारा कलर है वो निकल जाएगा और इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। लेकिन आप पहले पानी से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप ऑयल अप्लाई करेंगे तो जो कलर है वो एकदम खिल के आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर लगेगा आपका। जैसे हम अपने हाथों में मेहंदी यूज़ करते हैं, मेहंदी को यूज़ करने के बाद हम बोलते हैं ऑयल लगाना है, उसके बाद हमें साबुन से वॉश करना है। तो ऑयल हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे बालों का कलर है या हाथों पर जो मेहंदी लगी है उसका कलर है वो एकदम खिल के आ सके। तो इस तरीके से आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे शैम्पू से, और जब वॉश करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कलर मिलेगा। आपके बालों का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होगा और आपके बाल नरिश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने बालों का कलर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए। तो फ्रेंड, जैसे गर्मी आ चुकी है, गर्मियों में जो मेहंदी है उसका हम अच्छे से एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो मेहंदी की तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आप बेझिझक बिना किसी डर के मेहंदी को यूज कर सकते हैं, आपको ये कोई भी डिसएडवांटेज नहीं देगी, ना आपके बालों को खराब करेगी, ना ही आपकी आंखों के लिए इफेक्ट करेगी। जो हम मार्केट से जो डाई वगैरह लेते हैं वो कई बार हमारे आंखों के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और हमारे बालों के लिए तो अच्छा होता ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बालों को कलर करना, या आपके भी ग्रे हेयर हो चुके हैं तो आप उनको कवर करना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और ट्राई करने के बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आपको वापस मेरे चैनल पे आना है और जो अपने एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करना है, जिससे और लोगों को भी पता चल सके कि जो मेरी रेमेडीज है वर्क करती या नहीं करती है। तो प्लीज़ अपने जो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो से, तब तक स्टे हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।